वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि क्या आप मेरे मेकअप कलेक्शन को देखना चाहते हैं या नहीं, एंड आप सबने बहुत ही अच्छे वोट के साथ हाँ का जवाब दिया है, उसके लिए थैंक यू। तो चूंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हर कोई अपना जो फ्री टाइम है वो यूटिलाइज़ कर रहा है, तो मैं इस तरीके से यूटिलाइज़ कर रही हूँ, जितने भी मेरे ड्रेसिंग एरिया में जितने भी सामान है वो मैं जिसका एक्सपायरी डेट हो चुका है वो सब मैं डिक्लटर कर रही हूँ एंड सब कुछ अरेंज कर रही हूँ। तो सोचा क्यों ना आपके साथ मेरा मेकअप कलेक्शन शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कलेक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है, और मेरे प्रोडक्ट्स देख के आप एक्साइटमेंट में वो ना खरीद लें जब तक आपको उसकी ज़रूरत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमर से, और प्राइमर में मेरे पास है ब्लू हेवन का स्टूडियो परफेक्शन मेकअप बेस प्राइमर, एंड ये ऑयल फ्री है एंड ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं इस टाइप का पैकेजिंग है इसका, एंड प्राइमर मैं बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सो प्राइमर मेरे पास सिर्फ एक ही है और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। एक्चुअली ब्लू हेवन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आते हैं, एंड इसका प्राइस कुछ 300 रुपीज़ है। नेक्स्ट आते हैं फाउंडेशन में, एंड फाउंडेशन मेरा फेवरेट नहीं बोलेंगे बट मुझे फाउंडेशंस रखना पसंद है और बीच बीच में उसे लगाना भी पसंद है। तो फाउंडेशंस मेरे कुछ इतने सारे हैं, ज़्यादा नहीं है बट कुछ 5-6 है, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहला फाउंडेशन जो है वो मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन है, मैट पोलिस। इस टाइप का ग्लास की बॉटल में आता है ये, आप देख रहे होंगे, और ये मेरा अभी करंट फेवरेट चल रहा है। ये काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, ये काफ़ी अच्छा है, और ये इसका प्राइस कुछ अराउंड 500 रुपीज़ है। तो अगर आप फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हैं जो कि अफोर्डेबल रेट में हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास अगेन मेबेलिन फिट मी का ये मैट पोरलेस फाउंडेशन, ये भी कुछ इस टाइप के सेम दिखता है ये, और ये ट्यूब बॉटल में है और इसका प्राइस है 299। चूँकि ये दोनों सेम है, आप देख रहे होंगे पैकेजिंग इसकी सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, ये थोड़ा सा लिक्विडी है बहुत, जबकि ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में है। ये अप्लाई करने में बहुत अच्छा होता है बट ये थोड़ा सा लिक्विड है। नेक्स्ट है मेरे पास ये फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन, आप देख रहे होंगे ये ट्यूब बॉटल में है, और ये वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन है और इसका प्राइस है 199। ऑनेस्ट रिव्यू मुझे ये कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, डेली बेसिस के लिए थोड़ा ठीक है बट आपको कहीं पार्टी या फिर शादी में जाना हो तो ये आप ठीक नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास लैक्मे 925 का वेटलेस मूस फाउंडेशन, जो कि छोटे से बॉटल में है, ट्यूब फॉर्म में है ये भी। ये मैंने ट्राई करने के लिए ख़रीदा था और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब जब भी इसको अपने स्किन में अप्लाई करोगे ये वहीं पे रह जाता है, आइदर आपको ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके लगाना पड़ेगा तभी आपकी ये फेस पूरा कवर करेगा, और इतनी छोटी सी बॉटल आप बिलीव नहीं करेंगे। इसका प्राइस है 150 रुपीज़। ये मेरा फर्स्ट परचेज है, मैं इसे दोबारा नहीं लूँगी। तो नेक्स्ट आते हैं मेरा जो सबसे फेवरेट फाउंडेशन है जिसके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ, वो है ये लॉरेल का इनफ्लेबल 24 आवर्स लिक्विड फाउंडेशन। आप देख रहे होंगे इस टाइप का पैकेजिंग है, और ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं बोलूँगी, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, अराउंड ये 1200 या 1250 में आता है ये। और अगर आप फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप हमें एक ही फाउंडेशन रखना है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। इनफैक्ट मेरा ऑयली फेस है फिर भी ये बहुत देर तक रह जाता है, वाटरप्रूफ भी है, और मेरा जो शेड है वो है 250 रेडियंट सैंड, और ये आप मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट मेरे पास फाउंडेशन नहीं है बट ये आपने देखा होगा ग्लैमअप टीवी में एड वगैरह ये बहुत देता है, मतलब फाउंडेशन के बदले आप इसको लगा के जा सकते हैं। तो मैंने ये ट्राई करने के लिए लिया था,
ऑनेस्ट रिव्यू मैं बोलूँ तो ये फाउंडेशन का काम नहीं करता है, ना ही ये बीबी या फिर सीसी क्रीम का काम करता है, ये जस्ट एक नॉर्मल क्रीम की तरह है। बट ये लगाने के बाद आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है, इस चीज़ का मैं गारंटी देती हूँ। तो मैं इसको लगाती हूँ जब फाउंडेशन वगैरह लगाने के बाद मैं इसको ऊपर ऊपर से अप्लाई कर देती हूँ। और इसका जो प्राइस है ये है 225 रुपीज़ है, ये छोटे से बॉटल में आता है। और इसका जो है ये पंप सिस्टम है, आप देख रहे होंगे, तो ये आप बैकअप के लिए या फिर अपने मेकअप कलेक्शन में एक रख सकते हैं, ये ग्लो करने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं कंसीलर पे, तो मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करती हूँ। बस मैंने एक कंसीलर ख़रीदा था जो कि NYBA का कंसीलर है, लिक्विड कंसीलर है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था, अराउंड मुझे ये कुछ 96 या 98 रुपीज़ में मिला था। ये मैंने पर्पल से लिया था, और कंसीलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए ये मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ जब फेस में थोड़ा सा इवन टोन लगता है, तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास एक और कंसीलर है जो कि वेट एंड वाइट का कवर ऑल कंसीलर पैलेट है, इस टाइप का आप देख रहे होंगे, ये 4-in-1 है, इसमें 4 टाइप्स के कंसीलर हैं। और ये अभी तक मैंने सिर्फ इसे 1 या 2 बार ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसका प्राइस कुछ 300 या 350 इस टाइप का था कुछ, तो ये मैंने बस लेके रख दिया है, अब मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर पे, तो कॉम्पैक्ट पाउडर में मेरे पास 2 कॉम्पैक्ट पाउडर है। पहला वाला है मेरे पास NYBA का, जिसमें SPF 40 भी है, और ये आप देख सकते हैं ये मेरा ख़त्म होने को आ चुका है, और ये ठीक है, मतलब डेली बेसिस के लिए ये काफ़ी अच्छा है, और इसकी रेट भी काफ़ी अफोर्डेबल है, और इसका रेट कुछ अराउंड 150 या 175 के आसपास है। और दूसरा जो कॉम्पैक्ट है वो है मेरा फेसिस कैनेडा का, आप देख सकते हैं, और इसमें भी SPF 20 है, और इसका प्राइस कुछ 199 है, और इसमें जो मेरा शेड है वो है बेज 03, और ये वेटलेस मैट कॉम्पैक्ट पाउडर है, और ये मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं ब्लश पे, तो ब्लश भी मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जब किसी फंक्शंस पे जाती हूँ तभी मैं ब्लश यूज़ करती हूँ, इसलिए ब्लश के कलेक्शन मेरा थोड़ा कम है। तो पहला जो मैं ब्लश यूज़ करती हूँ वो है लॉरियल का ट्रू मैच ब्लश, आप देख रहे होंगे, और ये है 145 रोज़ वुड, और इसका प्राइस कुछ अराउंड 700 या 800 था, प्राइस इधर मेंशन नहीं है बट मुझे थोड़ा याद है, आप हो सके तो ऑनलाइन इसका प्राइस देख सकते हैं। तो इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब थोड़ा सा पिंकिश न्यूड कलर है, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका फेस में ये लगेगा नहीं आपने कुछ ब्लश लगाया है, उसी के साथ आपके थोड़ा सा फेस ग्लो करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। साथ में इसके इस टाइप का ब्रश दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास लैक्मे का फेस शीर, और ये काइंड ऑफ हाइलाइटर है, और इसके ऊपर में इस टाइप का मिरर दिया हुआ है जब जो कि आप आसान से इसे देख के अप्लाई कर सकते हो, और ये इस टाइप का पफी फॉर्म में आता है, ये नॉर्मली आप लेके थोड़े से इसको हिलाओगे फिर आप इसको अप्लाई कर लो, ये काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी शाइन करता है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसका जो शेड है वो है डेजर्ट रोज़, और आई थिंक इसमें ज़्यादा शेड नहीं आते हैं, सिर्फ 2 या 3 शेड आते हैं, तो उन्हीं में से एक ये है डेजर्ट रोज़, और इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा पहले लिया था, तो अराउंड 400-500 के आसपास होना चाहिए, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ब्लश में ये स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर, ये साथ में आता है, इस टाइप का है ये, आप देख रहे होंगे, ये साथ में इसके ब्लश हैं इधर, और बीच के जो 2 हैं वो हाइलाइटर हैं, तो ये एक ही पैलेट में आ जाता है। ये मैंने अमेजोन से लिया था, और इसका जो प्राइस है यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है, बट अराउंड इसका 600 या 650 इसका प्राइस था, और इसमें शेड कुछ खास लिखा हुआ है नहीं, तो ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपको इसमें ब्लश और हाइलाइटर दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं काजल पे, तो मुझे काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कुछ भी मेकअप स्किप अगर कर दूँ बट मैं काजल स्किप नहीं करती हूँ, मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। काजल में मेरे पास इतने सारे काजल हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़े से ज़्यादा हैं, सारे ब्लैक कलर में हैं। उनमें से बस एक ब्राउन गोल्डन कलर का है जो कि मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, पर्पल का गोल्डन कलर का है ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है बट मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ये लिया है। उसके बाद काजल में मेरे पास है लॉरेल का काजल मैजिक, आपने ये देखा होगा। नेक्स्ट है मेरे पास फेसेस कनाडा का अल्टीमेट प्रो काजल, ये भी सारे मेरे ब्लैक कलर के ही हैं जैसा मैंने बोला। नेक्स्ट है इस टाइप का पेंसिल वाला काजल है, ये है NY बेका, और फिर ये है ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल आई लाइनर, और ये आई थिंक मेबलिन का है, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसलिए सारे इसके जो प्रिंट्स हैं वो मिट चुके हैं। नेक्स्ट है मेरे पास पर्पल का विंग आई लाइनर काजल, ये भी ब्लैक कलर का है, ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसका प्राइस भी कुछ अराउंड 200-250 है बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं ये मेरा भी करंट फेवरेट चल रहा है। और लास्ट है मेरे पास लैक्मे का लैक्मे एब्सोल्यूट का कोल अल्टीमेट काजल, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसके साथ ये स्मज करने के लिए भी ब्रश टाइप का दिया होता है, इसका प्राइस कुछ 725 रुपीज़ है। तो काजल मेरे पास इतने सारे हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मस्कारा पे, मस्कारा मेरे पास सिर्फ एक है जो कि ब्लू हेवन का है, वॉक फ्री वाटरप्रूफ मस्कारा, इस टाइप का पिंक कलर का इसका बॉटल है, और मस्कारा मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए मैंने सिर्फ एक ही रखा है, मैं इसी से काम चलाती हूँ, जब ये ख़त्म हो जाएगा मैं नेक्स्ट खरीदूँगी बट मेरे पास एक ही है। नेक्स्ट आते हैं आईब्रो पेंसिल पे, तो आईब्रो पेंसिल मेरे पास दो है, ये लैक्मे एब्सोल्यूट का है, ये प्रिजन आईब्रो आर्टिस्ट, ये एक्चुअली शेड इसका डार्क ब्राउन है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये 650 रुपीज़ का है बट ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप डार्क ब्राउन शेड लेंगे तो वो बहुत अच्छा मैच करेगा आपके आईब्रो के साथ। नेक्स्ट मैंने जो आईब्रो पेंसिल लिया है ये मैंने मिनीसो से लिया है, ये मैं ट्राई करने के लिए ले रही थी बट ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने लिया है, शेड है इसका 03 डार्क ग्रे, और आईब्रो पेंसिल है ये, और इस टाइप का टर्न एंड ट्विस्ट वाला है, और इसके साथ ये सेट का ब्रश दिया हुआ है आईब्रो सेट करने के लिए, 2-in-1 है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप मिनीसो के स्टोर में आप जाके ये परचेस कर सकते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, उसका शेड है 03 डार्क ग्रे। नेक्स्ट आते हैं आईलाइनर पे, तो मैं लिक्विड आईलाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर इस तरीके के पेन वाले आईलाइनर ही यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो आईलाइनर मेरे पास सिर्फ तीन हैं, पहला जो है वो है कलर एसेंस का लिक्विड आईलाइनर, आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का है, और इसका प्राइस है 350 रुपीज़, और ये काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है सारे। नेक्स्ट जो मेरे पास है मेबलिन का न्यूयॉर्क द कलोसल लाइनर, ये भी काफ़ी अच्छा है एंड ब्लैक कलर के हैं सारे एंड इसका प्राइस मेंशन नहीं है इधर। नेक्स्ट जो मेरे पास आईलाइनर है वो है कलर एसेंस का लिक्विड आईलाइनर वाटरप्रूफ, इसका प्राइस कुछ अराउंड 600 या 650 है, और कलर एसेंस का आईलाइनर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इन दोनों के मुकाबले। नेक्स्ट आते हैं आई शेडो पे, तो आई शेडो मेरे पास इस टाइप का पैलेट है एक, और एक छोटा सा ब्लू हेवन का पैलेट है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, इस टाइप का बहुत कम कलर है इसमें आप देख रहे होंगे, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं इसको लेके जाती हूँ। और एक इस टाइप का पैलेट है जो कि क्लैमी का है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट 80 कलर आई शेडो पैलेट, इसमें इस टाइप के 80 कलर्स हैं आप देख पा रहे होंगे, सारे इसमें मैट कलर हैं एंड शिमरी कलर हैं, तो अगर आप आई शेडो ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस टाइप का पैलेट ले सकते हैं, इसका प्राइस कुछ 600 550 600 था,
अब आते हैं लिपस्टिक पे। तो लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मेकअप ना भी करो, बस आप एक लिपस्टिक लगा लो ना, वो मेकअप आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड मेकअप में लिपस्टिक के बिना मेकअप अधूरा रहता है, ये तो हम सब जानते हैं। और मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लिपस्टिक की कलेक्शन मेरे पास लिटरली बहुत ज़्यादा है। इस टाइप का आप देख रहे होंगे, मैंने इस बॉक्स में रखा है, ये इतने सारे मेरे लिपस्टिक हैं। और सारे स्टिक वाले लिपस्टिक हैं, मैं लिक्विड वाले लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से लिपस्टिक हैं। तो सबसे पहले आते हैं मिनी लिपस्टिक पे। और इस टाइप के मेरे पास दो किट हैं लिपस्टिक के, जो कि स्टे क्विर्की का है। आपने मेरे ये लिपस्टिक वीडियो वगैरह में देखा होगा, मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था। तो ये है मेरे पास एक, और ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस टाइप का आप एक किट रख सकते हैं, जब आपको हर शेड की ज़रूरत होगी तो आप इसमें से हर एक शेड निकाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे शेड हैं। तो मेरे पास जो किट है वो है किट 01 और एक किट है 05। तो ये दो हैं मेरे पास मिनी लिपस्टिक्स में। मेरे कलेक्शन में कुछ इस टाइप के चार पैकेट और ऐड हो चुके हैं, जो कि NYBAY लिपस्टिक हैं। ये NYBAY रनवे मिनिस, और इस टाइप के मैंने ये चारों किट थे तो मैंने चारों किट ही मंगा लिए हैं। एंड सब में चार लिपस्टिक हैं, मैं आपको एक दिखाती हूँ। इस टाइप के छोटे छोटे लिपस्टिक हैं सब में। तो ये चार किट हैं तो मैंने चारों ले लिया है। एंड इनका प्राइस कुछ 199 रुपीज़ है, 199 MRP है, बट मैंने ये डिस्काउंट में लिया था तो अराउंड मुझे ये 120 या 130 में मिला था। तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, ये देख रहे होंगे। तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लिपस्टिक हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ मैं ये किसी को गिफ्ट कर दूँ। अब आते हैं लिक्विड लिपस्टिक पे। तो लिक्विड लिपस्टिक मेरे पास सिर्फ चार हैं। मैंने बताया मुझे लिक्विड लिपस्टिक लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे थोड़े से ड्राई लगने लगते हैं लिप्स में। तो मेरे पास है ब्लू हेवन का मैट कलर का लिपस्टिक, और इसका शेड है 01। एंड अगेन ब्लू हेवन का है, इसका शेड है 08, और एक शेड है 09। तो 09 आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कलर है, हल्के मैरून शेड में है ये, थोड़े पिंक मैरून शेड में है ये, तो ये काफ़ी अच्छा कलर है, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। और इसका प्राइस कुछ ज़्यादा है नहीं, इसका प्राइस है 105 रुपीज़, जो कि लिक्विड लिपस्टिक के अकॉर्डिंग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। नेक्स्ट है मेरे पास NYBAY का लिक्विड लिपस्टिक है, इसका शेड मेंशन नहीं है, ये थोड़े से ब्राउन कलर में है, आप देख रहे होंगे। तो लिक्विड लिपस्टिक मेरे पास सिर्फ चार है। अब आते हैं लिप क्रियॉन के ऊपर। तो लिप क्रियॉन मेरे पास चार हैं ऐसे, दो हैं मेरे NYBAY के मैट स्मैट लिप क्रियॉन जो कि पिंक कलर में है, और एक है NYBAY का ही लिप क्रियॉन है, ये हल्के से रेडिश शेड में है। और नेक्स्ट है मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट का लिप पाउट, और इसका शेड है टैंजरीन टच, और ये कुछ रेड कलर टाइप ऑरेंजिश कलर का है ये। नेक्स्ट है मेरे पास नीविया का लिप क्रियॉन जो कि पिंक कलर का है, और ये है अगेन रेड कलर का है, आप देख रहे होंगे। इनका प्राइस जो नीविया का है ये शायद 150 के अराउंड है, प्राइस मेंशन नहीं है, 150 के अराउंड है मुझे जहाँ तक याद है। और लैक्मे एब्सोल्यूट तो शायद 600-700 का होगा, और NYBAY के जो लिप क्रियॉन है ये तो अराउंड 120-130 में ही मिल जाते हैं। आप पर्पल पे चेक कर सकते हैं, पर्पल में बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं। तो लिप क्रियॉन मेरे पास सिर्फ इतने हैं। अब आते हैं लिपस्टिक के ऊपर। तो ये सारे जो पांच हैं ये मेरे NYBAY के लिपस्टिक हैं, आप देख रहे होंगे। और NYBAY की लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये स्टिकी नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, और ये केमिकल फ्री भी होता है। और ये लगाने के बाद आपको लिप्स में वो ड्राई वो पैचिनेस आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ NYBAY की लिपस्टिक लगाना।
ये पिंक शेड में है, ये बहुत ही अच्छा बेबी पिंक कलर का है, बहुत ही ब्राइट कलर है ये। और ये रेड कलर में है, ये डीप रेड है, इसको आप मैरून भी बोल सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा कलर है। और ये भी एक ब्राइट पिंक कलर में है, आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। और ये मेरा फेवरेट कलर है, ये पिंक पीच कलर में है ये, और इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे। ये रेड और पिंक कलर में है निविया का लिप क्रियॉन। नेक्स्ट है मेरे पास फेसेस कैनेडा की ये तीन लिपस्टिक, ये आप देख रहे होंगे। ये मैंने अपने लास्ट ईयर बर्थडे के लिए शॉपिंग किया था, तब मैंने ये लिपस्टिक लिया था। फेसेस कैनेडा के थोड़े से प्राइसी होते हैं लिपस्टिक, अराउंड 300 to 350। तो मैंने ये तीन लिपस्टिक लिया था, एंड काफ़ी ये सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास लैक्मे का दो लिपस्टिक है, ये लैक्मे एब्सोल्यूट मैट फिनिश लिपस्टिक है, और ये रेड कलर में है, ये बहुत ही अच्छे रेड कलर में है, आप देख रहे होंगे। और इसका जो शेड है वो है रेड फ्लेम्स, और ये अगर आप रेड लिपस्टिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ये लैक्मे एब्सोल्यूट का मैट लिपस्टिक का रेड फ्लेम्स शेड आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट का एनरिच मैट लिपस्टिक, इसका शेड है PM10, और ये पिंक शेड में है, इस टाइप के पिंक शेड में है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास ये एवॉन का लिपस्टिक, ये चार लिपस्टिक है, आप देख रहे होंगे, और ये पिंक कलर में है, एंड एक रेड में है, एक ब्राउन में है, और इसका लिपस्टिक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्राइसेस भी इनके कुछ ज़्यादा नहीं है, अराउंड 300 to 400 है, और ये काफ़ी अच्छे शेड्स आते हैं इसमें एवॉन के लिपस्टिक में। एवॉन के लिपस्टिक का जनरली ऑनलाइन नहीं मिलता है, जिनका मेंबरशिप होते हैं वो ये सब सेल करते हैं, बट अभी एवॉन के लिपस्टिक भी अमेजोन में आ गए हैं। नेक्स्ट है मेरे पास L18 का कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक, ये एक चेरी पर्पल कलर में है, आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा कलर है। ऐसा मेरे पास दो है, एक रेड कलर का है, और इसका जो प्राइस होता है वो ओनली 100 rupees है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल रेट में है, और ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास LA Girl का मैट लिपस्टिक है, ये न्यूड शेड में है, इस टाइप का शेड है, आप देख रहे होंगे, न्यूड शेड है ये, और ये शेड मुझे काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट है मेरे पास रेवलॉन का कलर स्टे अल्टीमेट स्यूड लिपस्टिक, ये भी पिंक कलर में है, एंड ये बहुत ही अच्छे पिंक कलर में है, आप देख रहे होंगे, ये बेबी पिंक का जो डार्क शेड होता है ना, वो पिंक है ये। तो रेवलॉन के लिपस्टिक भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं, अभी कुछ कुछ जो नए कलेक्शंस आ रहे हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, ये जो कलेक्शन है ये थोड़े से कम प्राइस में है। नेक्स्ट आते हैं नेल पॉलिश पे, तो नेल पॉलिश लगाना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हर वीक नेल पॉलिश चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो नेल पॉलिश में मेरे पास कुछ इस तरह का कलेक्शन है, आप देखते होंगे, एंड मैं एक एक करके नहीं दिखाऊंगी, मैं बता देती हूँ। इसमें L18 का नेल पॉलिश है, कुछ इस टाइप का है, फिर NYDA के भी नेल पॉलिश हैं, और कुछ लैक्मे 925 के हैं, फिर लैक्मे कलर क्रश के कुछ नेल पॉलिश हैं, और फिर NYDA के ज़्यादा है। L18 के भी कुछ अच्छे अच्छे कलर्स हैं, बहुत क्यूट ब्राइट कलर्स हैं, चूँकि अभी समर आ रहा है तो ब्राइट कलर्स के नेल पॉलिश अभी ज़्यादा चलेंगे। तो ये कुछ मेरा नेल पॉलिश का कलेक्शन है। नेक्स्ट आते हैं मिनरल पाउडर पे, तो मिनरल पाउडर मेरे पास सिर्फ एक ही है, जो कि लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच मिनरल पाउडर है, और ये एज अ कॉम्पैक्ट के बाद आप लगा सकते हैं, या फिर कॉम्पैक्ट स्किप करके आप मिनरल पाउडर लगा सकते हैं। तो इसका ख़ास बात ये है कि इसमें ऊपर में ब्रश दिया होता है, इस टाइप का आप देख रहे होंगे, इसमें ब्रश दिया हुआ है, एंड जो पाउडर है वो नीचे है, तो आप इधर से निकाल के आप ब्रश के मदद से आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और मिनरल पाउडर की ज़रूरत मुझे तो ज़्यादा लगती नहीं है, बस मैंने एक ये ले लिया था, और इसका जो शेड है वो है बेज डोर, गोल्डन बेज,
D3.W3 और इसका जो प्राइस है वो है 1420 रुपीज़। तो लूज पाउडर में मेरे पास है किया सेट का एरोमा थेरेपी अम्ब्रेला सनस्क्रीन पाउडर जो कि SPF 50 में है और जो कि इस टाइप की पैकेजिंग में है, आप देख रहे होंगे। ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और ये मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब मैं नहा के निकलती हूँ तो फेस पे कुछ लगाना होता है तो मैं इसको लगाती हूँ। एंड इस टाइप का ये पाउडर फॉर्म में आता है, नीचे इसके पाउडर है, यहाँ पे होल दिए हुए हैं। इसमें बस नेगेटिव पार्ट ये है कि इसके साथ कुछ एप्लीकेटर नहीं आता है, तो इसके साथ मैं कुछ इस टाइप का स्पंज यूज़ करती हूँ लगाने के लिए और वो स्पंज इसके अंदर भी नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा कैरी करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। और ये काफ़ी अच्छा है डेली यूज़ करने के लिए, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं रिकमेंड करूँगी। और इसका जो प्राइस है वो है 255 रुपीज़। ये मैंने ऑनलाइन देखा था बट इसका वो डिलीवरी चार्ज वगैरह लेके ये कुछ 300-350 हो रहा था, तो ये मैंने जमशेदपुर से साक्षी मार्केट से लिया है। तो नेक्स्ट मेरे कुछ सामान हैं जो अभी रिसेंटली मेरे कलेक्शन में ऐड हुआ है और इनको मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है, तो सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है LA Girl का प्रो कवरेज हाई डेफिनेशन फाउंडेशन, ये मैंने Amazon से लिया है और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है एंड ये पम्प सिस्टम में है, आप देख रहे होंगे। और इसका जो शेड है वो है ग्लैम 645 न्यूड बेज, तो ये मैंने लिया है एंड ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन लिया था तो मुझे शेड का थोड़ा सा डर लग रहा था बट ये शेड बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है मेरे फेस से। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन, जो कि इस टाइप का है, आप देख रहे होंगे। एंड ये छोटे से पैकेजिंग में आता है, इस टाइप का इसका डब्बा है एंड इसके साथ आपको एप्लीकेटर भी मिलेगा छोटा सा। और ये बहुत ही पिंकिश कलर में, आप देख रहे होंगे, पिंक न्यूड शेड में है, ये बहुत अच्छा सा पिंक है ये, तो ये मैंने लिया है। तो ये सब मेरे अभी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इनको अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट है मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस लाइटनिंग कॉम्पैक्ट पाउडर, इसका शेड तो है 01 आइवरी फेयर और ये इस टाइप का है। ये मैं पहले यूज़ करती थी फिर मैंने इसे बीच में बंद कर दिया है, तो ये मैं फिर से न्यू लेके आई हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास लैक्मे 925 नेचुरल फिनिशिंग पाउडर जो कि एलोवेरा एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, इस टाइप का पैकेजिंग है इसका और इसका प्राइस है 550 रुपीज़। ये भी मैंने ऑनलाइन लिया है और इस टाइप का जो बॉटल है वो है और आप देख रहे होंगे ये काफ़ी क्लासी दिखता है और इसके साथ अंदर कुछ इस टाइप का है, एप्लीकेटर भी मिलता है इसके साथ। नेक्स्ट मैंने लिया है स्टे क्विर्की का प्राइमर, मैंने आपको जैसे बताया प्राइमर मेरे पास सिर्फ एक ही है तो ये प्राइमर मैंने एक लिया है, ये स्टे क्विर्की का है। कंसीलर भी मैंने आपको बताया मेरे पास सिर्फ एक या दो कंसीलर है, तो मैंने एक स्टे क्विर्की का कंसीलर मंगाया है जो कि कंसीलर मिनी है, ये बहुत ही छोटे से साइज़ में है, आप देख रहे होंगे, छोटा सा कंसीलर है ये, तो ये काफ़ी मुझे पसंद आया, ट्रैवल फ्रेंडली है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है स्टे क्विर्की का लिक्विड पेन आई निग्मा, ये आई लाइनर है, आप स्टे क्विर्की का ये आप देख रहे होंगे, ये भी स्केच आई लाइनर है। जैसा कि मैंने बताया मुझे लिक्विड आई लाइनर पसंद नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके साथ, तो मैं स्केच वाले आई लाइनर ही प्रीफर करती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है स्टे क्विर्की का दो नेल पॉलिश जो कि पिंक शेड में है एंड एक थोड़ा सा वाइन कलर में है, आप देख रहे होंगे इस टाइप का है। अब आते हैं मेकअप एक्सेसरीज़ पे, तो मेकअप एक्सेसरीज़ पे मेरे पास कुछ इस टाइप के एक्सेसरीज़ हैं इंक्लूडिंग मेरा मेकअप ब्रश एंड स्पंजेस एंड आईलैश कर्लर, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आईलैश कर्लर, ये मेरा आईलैश कर्लर है, ये मैंने मिनीसो से लिया था एंड इसका प्राइस कुछ 300 के आसपास था एंड ट्रस्ट में ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आप आईलैश कर्लर अगर ढूंढ रहे हैं तो आप मिनीसो स्टोर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इस टाइप का फाउंडेशन ब्रश, आप देख रहे होंगे, ये मैंने अमेजोन से लिया था एंड ये अराउंड कुछ 12 पीसेस का सेट है
आप देख रहे होंगे, एंड इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये मेरा कॉम्पैक्ट लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है इससे। और ये मैंने लिया था 360 रुपीज़ में ये मैंने लिया था, एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मेकअप स्पंजेस जो मेरे पास हैं वो कुछ इतने सारे हैं, एंड ये मैंने अलग अलग जगह से ख़रीदा है। कुछ कुछ मैंने बिग बाज़ार से लिया है, कुछ कुछ मैंने लोकल स्टोर से लिया है। और ये जो है ये मैंने ये मेकअप स्पंज पैक का मैंने लिया है, और ये तीन जो है ये भी मैंने पैक कर लिया है। नहीं, ये वाला मेरा कलर बार का है, एंड ये दोनों मेरे पैक के स्पंजेस हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इस टाइप के मेकअप ब्रशेज जो कि लियर टेक्निक्स के हैं, एंड ये है मेरा पाउडर ब्रश कह सकते हैं, इससे आप ब्लश लगा सकते हैं, एंड ये है आई शेडो ब्रश, और ये है फाउंडेशन ब्रश। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे। ये मैंने तीन का सेट लिया था अराउंड 1900 रुपीज़ में। नेक्स्ट है मेरे पास इस टाइप का मेकअप ब्रश जो कि प्रोफेशनल मेकअप ब्रश है, और ये मैंने अमेजोन से लिया था। इस टाइप का मेकअप ब्रश है, आप देख रहे होंगे सारे ब्रशेस हैं इसमें। ये अराउंड 42 पीसेस के ब्रशेस हैं, और ये मैंने लिया था अमेजोन से। नेक्स्ट आते हैं सिंदूर पे, तो सिंदूर मैं पाउडर वाले सिंदूर नहीं लगाती हूँ, मैं लिक्विड वाले या फिर जो स्टिक वाले होते हैं वही मैं लगाती हूँ। एंड सिंदूर में मेरे पास कुछ इतने सारे सिंदूर हैं, तो ये है मेरा सिंदूर जो कि रेड कलर में है, ये ब्लू हेवन का है, और ये दो हैं, ये दोनों पतंजलि के हैं, एक रेड है एक मैरून है, और दो लिक्विड सिंदूर है जो कि केया सेट का है, ये रेड कलर का है आप देख रहे होंगे, एंड ये मैरून कलर का है। ये है ऑरेंज ग्रीन बेरी मिंट का बॉडी ग्लो, अ काइंड ऑफ लोशन है ये। इसका प्राइस है 599 रुपीज़। ज़्यादातर हम फेस पे मेकअप करके हाथ वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर ये बॉडी ग्लो थोड़ा बॉडी को ग्लो करता है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मेरा सबसे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, मैं जो इन सब से मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ वो है मेरा पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ फाउंडेशन के बदले। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। काजल में मैं यूज़ करती हूँ पर्पल का ब्लैक काजल। फिर पाउडर में मैं यूज़ करती हूँ जॉनसन का बेबी पाउडर, अदरवाइज़ मैं ये केया सेट का पाउडर यूज़ करती हूँ। और आईलाइनर में मैं यूज़ करती हूँ ये कलर एसेंस का आईलाइनर। और लिपस्टिक की बात करूँ तो मेरा जो सबसे फेवरेट लिपस्टिक है वो है NY बेका, ये वाला लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छे पिंक शेड में है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, अगर मुझे नॉर्मल कहीं बाहर निकलना है तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई करती हूँ। तो हम सभी जानते हैं मेकअप हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट हाँ थोड़ा मेकअप लगाना तो बनता है। अब चूँकि गर्ल्स को मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे भी मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था मेरा मेकअप कलेक्शन, एंड आई होप आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। लॉकडाउन का टाइम है, आप जानते हैं अभी हम बहुत बड़े एग्ज़ाम से जूझ रहे हैं, और इससे हमें बाहर निकलना है, और हम जल्दी इससे बाहर निकलेंगे। बस आप प्रे करो ये जो भी वायरस है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए हमारे कंट्री से, और जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो सेफ हो जाए, सब ठीक हो जाए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।